The price of sugar is increased by 25%. How much percent is the consumption be reduced? मैंने आपको बताया था, ठीक है? As not to increase the expenditure. Okay. See, now consumption you have to take also, ठीक है? Amount consumption you can take in kgs also. Consumption लेना भी जरूरी है. Suppose देखो मैं कैसे लूँगा, let. देखो कैसे, किस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको. Let 100 kg. सपोज 100 kg हम लोग शुगर खाते हैं, कितने की? सपोज 100 रुपीज़ का है, ठीक है? सो व्हाट आई हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड में, आई हैव टेकन कंजम्पशन, ठीक है? वो जो क्वांटिटी भी तो लेनी है आपने, तो क्योंकि हमें कंजम्पशन में निकालना है ना कि कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करेंगे, कंजम्पशन. ओके, तो मैंने क्या लिया, 100 kg शुगर 100 रुपीज़ का आता है, दिस आई हैव टेकन. ओके, सो 100 kg शुगर 100 रुपीज़ का. अब क्या हो रहा है, अब प्राइस बढ़ रहे हैं. अब द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इसका मतलब सी, अब 100 kg, अब प्राइस बढ़े, मैं पहले लिख लेता हूं, प्राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है? तो 25% प्राइस बढ़ गए. 25% प्राइस बढ़ने के वजह से जो 100 kg जो शुगर है, ओके, 100 kg शुगर है, वो आ जाएगा. देखो 25% आप डायरेक्टली बढ़ा सकते हो 100 रुपीज में. 100 का 25% होता है 25. इफ यू ऐड 25, इट विल गोइंग टू गिव यू 125. सो डायरेक्टली यू कैन राइट 125 रुपीज. ओके, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अब 100 kg शुगर आपको कितने का पड़ेगा, 125 रुपीज का पड़ेगा, क्योंकि नाउ द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड. लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको तो यू डोंट हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, आपको खर्चा नहीं बढ़ाना. आप पहले भी 100 रुपये का लेते थे 100 kg, अभी भी आपको 100 रुपये का लेना है डेफिनेटली, लेकिन अब आपको 100 kg नहीं मिलने वाला क्योंकि प्राइस बढ़ चुके हैं. ओके, क्योंकि प्राइस अब कितने हो चुके हैं, 125 रुपीज. आपने लेना 100 रुपीज का ही है, बिकॉज यू डोंट हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर देखो 125 रुपीज का अब कितना आ रहा है, 100 kg. ओके, दिस इज द न्यू प्राइस. लेकिन मैं तो 100 रुपीज का ही लेना है. अगर मैं 100 रुपीज का लूंगा तो 100 kg तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा, लेस. ओके, तो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे ये तो पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो जाएगा. कंजम्पशन देखते हैं कितना रिड्यूस हो जाएगा, 100 kg तो आएगा नहीं, तो 100 रुपीज में कितना आएगा, लेस आएगा. तो लेस का फॉर्मूला होता है लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू. इंडिविजुअल वैल्यू आप लोग पूरा लिखिएगा, लेस क्या है 100, मोर क्या है 125 इनटू 100 kg. ओके, सो दिस विल बी 5 2 10, 5 5 25, 20 टाइम्स, 25 4 और कितना आ गया, 80 kg. ओके, बहुत इजी है. तो अब 100 रुपीज में मुझे, आई एम गेटिंग 80 kg ऑफ शुगर, नॉट 100 kg, ठीक है? हमने लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू करा, 100 बाय 125, लेस इज 100, मोर इज 125 इनटू 100 kg. इंडिविजुअल वैल्यू की यूनिट लिखना जरूरी है, 25 फोर टाइम्स, ठीक है, और 25 फाइव टाइम्स एंड 5 20 टाइम्स. ओके, एंड यू विल गेट 80 kg. अब आप देखो कि कंजम्पशन में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंजम्पशन कितना था, पहले था 100 kg, अब कंजम्पशन कितना हो चुका है, अब हो चुका है 80 kg. तो 100 के केस में आप लोग डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, कितना आ जाएगा, 20%, क्योंकि 20 kg कम हो रहा है ना, 20% विल बी द राइट आंसर. लेकिन अगर आपको इसको निकालना है प्रॉपर तरीके से, सो डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन, जब भी डिक्रीज्ड वैल्यू होगी तो नीचे होगी लार्जर वैल्यू, एंड इनटू 100. ओके, सो व्हाट इज द डिक्रीज्ड वैल्यू, 20 इज डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू इज 100 इनटू 100. 100 से 100 कैंसिल, योर आंसर विल बी 20% ओनली, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट कंजम्पशन लेना इज इंपॉर्टेंट हियर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है?